हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल अपडेटेड टेक्नोलॉजी में। एपसीट के बढ़ते क्रम में आज हम लोग सीखने वाले डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ये एप्लीकेशन में कहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस देगा और एडवांस लेवल तक आपके एप्लीकेशन को लेके जाएगा। डिस्टेंस कैलकुलेशन आप एक गूगल मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सेम फैसिलिटी अपने ही ऐप में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एपसीट के अंदर, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अभी हमने छोटा सा एक डेमो देखना है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेमो बनाया है एप्लीकेशन में। इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो ये करेंट आपका लैट लॉन्ग ले लेता है, या आप जहाँ पे करेंट है वहाँ का लैट लॉन्ग लिया। अभी आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो सेम लैट लॉन्ग लेगा। अभी सेम लिया मतलब इसका सेम जगह है, तो 0 0 आपका कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि कोई दूरी नहीं है, आप दोनों सेम ही जगह पे। पर अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये चेंज हो करके आएगा। यहाँ पे इसका लैट लॉन्ग चेंज हो गया। आप पूरा का पूरा भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये 76 है, इसे आप 96 करेंगे तो चेक करेंगे कि आपका कितना डेस्टिनेशन आया। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए 22,500, मतलब 2,522 किलोमीटर है। ओके, ये आपका है। आप चाहे तो यहाँ से भी, गूगल मैप से भी, अगर आप कहीं का लेना चाहते हैं, जैसे मैं लेता हूँ बिहार, एक मैंने एलोकेशन लिया। अब वहाँ का मैं लैट लॉन्ग कॉपी करता हूँ। इसका लैट लॉन्ग मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे अपने ऐप सीट के अंदर डालता हूँ। चेक करता हूँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, और कितने किलोमीटर का रेंज बता रहा है। देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर के आसपास है। अभी ये लैट लॉन्ग ये जो कैलकुलेट करता है, आपका जो मैप कैलकुलेट करता है ना, वो बाय रोड या बाय ट्रेन या फिर आप पैदल कैसे चलेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। तो इसमें सेम डेस्टिनेशन को डालेंगे तो इसमें ज़्यादा किलोमीटर बताएगा, पर एपसीट में डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है, मतलब तो उसमें आपको किलोमीटर कम आएगा पर आपको एक्यूरेट मिलता है। आप चाहे तो उस क्षेत्र को, अभी इसमें होता क्या है, अपने एप्लीकेशन में अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर दिए तो आप पार्टिकुलर आप एक डेस्टिनेशन का रेंज दे सकते हैं, अपने डिस्टेंस का रेंज दे सकते हैं, ऑफिस का रेंज दे सकते हैं, या फिर आप कहीं स्टाफ को भेज रहे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद ही प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, वहाँ गए उसके बाद ही वो पार्टिकुलर एप्लीकेशन आपका वर्क करना चाहिए या कॉलम वर्क करना चाहिए। तो आप ऐसे में डेस्टिनेशन कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट मेंटेन करने के बाद आप ये एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको एडवांस लेवल तक ये आपको परफॉर्मेंस दे सकेगा, और एंट्री करने की मतलब इनवैलिड एंट्री होने का भी चांसेस घट जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये पॉसिबल कहाँ से है और इसका क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सप्रेशन है। एपसीट हेल्प में आप डिस्टेंस सर्च करेंगे तो अभी आपको इसका हेल्प मिल जाएगा। एक्चुअली लैट लॉन्ग पे काम करता है, वेयर हाउस लोकेशन प्लस कस्टमर लोकेशन आप डाल सकते हैं, तो एक आपका योर लोकेशन हो जाएगा और एक अपना ऑफिस का भी लोकेशन डाल सकते हैं। ऐसे में ये एप्लीकेशन को आप अगर अटेंडेंस एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसका सिंटैक्स आप चेक कर सकते हैं, लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2 पे काम करता है, और इसका जो भी डेटा टाइप होगा वो लैट लॉन्ग होगा, और जो डिस्टेंस आप रखेंगे वो आप रख सकते हैं नंबर में या फिर डेसिमल में रखेंगे तो फिर वर्क करेगा। चलिए मैं ऐपसीट के एडिटर पेज पे आ चुका हूँ, और एडिटर पेज पे आने के बाद मैं अपना कॉलम को ओपन किया, सो इन प्रीव्यू सॉरी डेटा पे आएंगे, व्यू कॉलम्स पे आएंगे, चेक करेंगे जो हमारा एक लोकेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन ये दोनों लैट लॉन्ग में है, और जो हमारा टोटल कैलकुलेटर है मतलब जो टोटल किलोमीटर जो आपको दिखा रहा है वो डेसिमल में दिया गया है। अभी डेसिमल में दिया गया क्योंकि ये डेसिमल में भी आ सकता है, 0.1 किलोमीटर। आप इसे राउंड फिगर में भी कर सकते हैं, तो राउंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो राउंड में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, डिस्टेंस आप लिखेंगे और एक डिस्टेंस आपका जो फर्स्ट रहेगा लोकेशन वो, फिर कॉमा, फिर सेकेंड। तो जब भी कॉलम आप पूरा लेंगे तो यहाँ पे कॉलम डालेंगे, फिर यहाँ दूसरा कॉलम ले रहे हैं तो दूसरा कॉलम डालेंगे, तो कॉलम कॉमा कॉलम, और इसका एक ही फॉर्मूला मात्र डिस्टेंस। अभी यहाँ पे आपका ये काम हो गया, ये आपका वर्क करेगा प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। लैट लॉन्ग के लिए लैट लॉन्ग सेलेक्ट करें, और इसको अगर आप इनिशियल वैल्यू में करेंट लोकेशन लेना चाहते हैं, करेंट लैट लॉन्ग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर का इस्तेमाल करेंगे करेंट लोकेशन ले लेगा।
आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको हेल्प लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखें, ताकि आपको हमारी वीडियो, जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ ऐप सीट के ऊपर, तो आपको तुरंत मिल सके। आप अपने एप्लीकेशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको ऐप सीट का कंप्लीट ट्रेनिंग, धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। मैसेज में भी मैं हेल्प करता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो बिल्कुल पसंद आए।